नाजुकी देखता हूँ, मुझे याद आते हैं खारे मदीना। अल्लाह ताला हम सबको मदीना तैयबा की बार बार हाजिरी अता फरमाए। मदनी फूल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं और आज ईद उल फितर के बारे में कुछ सुनेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट दिन है और किस कदर बरकत वाला दिन है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने ईदैन की रात यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के जो पहले रात होती है, जिसको हम चांद रात भी कहते हैं, उस रात अल्लाह की रजा के लिए तलब सवाब के लिए क्याम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। गोया ये रातें इबादत की रात होती है और हम इस रात में गुनाह की प्लानिंग करते हैं, बाजार भर जाते हैं, बेपर्दा माहौल बन जाता है। ये इबादत की ईदी मिलने की रात, और आपने सुना ये रात जो इबादत में गुजारता है उस दिन दिल नहीं मरेंगे जिस दिन लोगों के दिल मर जाते हैं। एक और मकाम पर सैयदुना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला से मरवी है, जो पांच रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। वो पांच रातें कौन सी हैं, आज गौर से सुन लीजिए। ज़िलहिज्जा शरीफ की आठवीं और नवी रात और दसवीं रात, आठ नौ दस, ये तीनों रातें कंटिन्यू, और फिर चौथी ईद उल फितर की रात, जो चांद रात जिसको हम कहते हैं रमजान की जो चांद रात होती है, और पांचवीं शाबानुल मुअज्जम की पंद्रहवीं रात। तो अब ईद उल फितर की रात आने वाली है, देखिए आज नियत कर ले। आपने प्लान हो सकता है किया हो कि उसी रात शॉपिंग करेंगे, उसी रात कपड़े भी खरीदेंगे, बाजार में जरा लुत्फ भी आएगा, मार्केट जरा बहुत सज जाती हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये लैलतुल जायजा है, इनाम मिलने की रात है, रब को राजी करने की रात है। अल्लाह के नेक बंदे तो ये रात आंसुओं में गुजारते हैं कि हम नहीं जानते हमारे रोजे कबूल हुए या नहीं, हमारी इबादतें कबूल हुई कि नहीं, और मजदूरी मिलने की रात उनकी ये ख्यालात और ये फिक्र होता है कि मजदूरी तो उसको मिलेगी ना जिसने काम किया है, हमारा तो काम भी पूरा नहीं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए इस रात को अब जाया मत कीजिएगा, पक्की नियत कर लें ये रात इबादत में गुजारें। मैं आपको मशवरा देता हूं, आप इस रात को मदनी चैनल के साथ गुजारें। जी हाँ, पूरी रात इंशाल्लाह सिलसिले आते रहेंगे, जब तक जाग सकें ये देखते रहें, इबादत करें, तिलावत करें, फिर सो जाएं। आपने फजर भी तो पढ़नी है। जी हाँ, लोग ईद की नमाज जरूर पढ़ते हैं मगर उसी ईद के दिन फजर जाया हो जाती है, फजर फर्ज है याद रखिएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दिन मुसलमानों के लिए तो खुशी का दिन है मगर शैतान इस दिन बड़ा बदहवास होता है। ये शैतान का काम है कि ये इस दिन हमें ख्वाहिशात की तरफ ले जाएगा। अरे आज तो शैतान की बदहवासी का दिन है, सजदा शुक्र अदा कीजिए, गरीबों को याद रखिए। आज का दिन यानी ईद का दिन अपने गरीब मुसलमान पड़ोसियों को याद रखने का दिन है, अपने गरीब रिश्तेदारों को याद करने का दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो खुशियां मना रहे हैं और हमारे रिश्तेदार तकलीफ में ईद गुजार रहे हैं, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। आइए मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं जिससे ये एहसास होगा कि वो लोग जो कतई जन्नती थे, हमारे सहाबा इकराम, जी हाँ, अशराए मुबशरा में से सैयदना खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, ईद के दिन चंद हजरात आपके घर गए और आप दरवाजा बंद करके जारो कितार रो रहे थे। लोगों ने हैरान होकर अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, और ये रोना कैसा? आपने आंसू पोंछते हुए फरमाया, फरमाते हैं, हाज़ा यौमुल ईद वहादा यौमुल वईद, ए लोगों, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है, जिसके नमाज और रोजे मकबूल हो गए बिलाशुबा उसके लिए तो आज ईद का दिन है, लेकिन आज जिसके नमाज और रोजे रद्द करके उसके मुंह पर मार दिए गए हों उसके लिए तो आज वईद का दिन है, और मैं इस खौफ से रो रहा हूं, अना लादरी अमिनल मकबूलीन अम मिनल मतरूदीन, कहते हैं मैं नहीं जानता कि मैं मकबूल हुआ हूं या रद्द कर दिया गया हूं। अल्लाह ताला से दुआ है, मालिक करीम हम सबको जो रमजान में हमारी आदतों में निखार आया था उसे बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।